गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम साक्षात्कार पढ़ेंगे। साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण साक्षात्कार कहलाता है, जिसे प्राचीन काल में या प्रारंभिक समय में इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता था। शाब्दिक अर्थ में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो साक्षात्कार से तात्पर्य है किसी व्यक्ति विशेष के विषय में उसी के श्री मुख से जानकारी प्राप्त करना। कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से उसी के बारे में उसी की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो वो साक्षात्कार कहलाता है। हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। इम्पॉर्टेंट दो परिभाषाएं दी हुई हैं। पहली परिभाषा रेडमा हाउस शब्दकोश के अंतर्गत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वह प्रत्येक वार्ता साक्षात्कार कहलाती है जिसमें संवाददाता अर्थात रिपोर्टर या पत्रकार किसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न उत्तर कर प्राप्त सामग्री को किसी समाचार पत्र में प्रकाशित या टीवी और रेडियो पर प्रसारित करता है। कहने का तात्पर्य है, जब कोई रिपोर्टर किसी न्यूज़ में, किसी रेडियो पर या टेलीविज़न में किसी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके उसे प्रकाशित या प्रसारित करता है तो वही वार्ता या उनकी बातचीत साक्षात्कार कहलाती है। साक्षात्कार की दूसरी परिभाषा दी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। इनका कहना है कि मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत समय पहले एक शब्द की रचना की थी जिसका नाम है इंटरव्यू। इंटरव्यू से इनका तात्पर्य है कि साक्षात्कार या इंटरव्यू के द्वारा जब हम किसी के अंतर यानी मन में एक ऐसी व्यू रचना करें या ऐसे चक्र की रचना करें कि वो जो व्यक्ति छिपाना चाहता है उसे छिपा ना पाए और हमारे सामने प्रकट कर दे या हमें बता दे, तो उसी सूचना को हम साक्षात्कार कहते हैं या उस सूचना को सबके सामने रखना ही साक्षात्कार कहलाता है। ध्यान रहे, आपको ये दोनों ही डेफिनेशंस याद करनी है। 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम देखते हैं साक्षात्कार के प्रकार। सामान्य रूप से साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है जब किसी निजी संस्था, सरकारी संस्था या किसी पद व नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं, प्रथम प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के साक्षात्कार होते हैं जब संवाददाता या रिपोर्टर द्वारा रेडियो, टीवी तथा समाचार पत्रों के लिए आपसे जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरे प्रकार के साक्षात्कार, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कि वे साक्षात्कार जो रेडियो, टीवी, समाचार पत्र हेतु संपादक या रिपोर्टर द्वारा लिए जाते हैं उन्हें जन माध्यम उपयोगी साक्षात्कार भी कहते हैं, अर्थात जनता के लिए जो उपयोगी होते हैं वो साक्षात्कार भी कहलाते हैं। जन माध्यम के लिए या जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए जो उपयोगी साक्षात्कार हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है प्रिंट मीडिया हेतु साक्षात्कार और दूसरा भाग है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु साक्षात्कार। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं, इनके नामों से ही इनका अर्थ स्पष्ट है। प्रिंट मीडिया यानी छपाई के अंतर्गत आने वाले सभी माध्यम, जैसे कि अखबार, मैगजीन, पंपलेट्स, ये सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं जो लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो इनके लिए जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं वो प्रिंट मीडिया हेतु साक्षात्कार कहलाते हैं। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु साक्षात्कार, यानी जनता तक सूचना पहुँचाने वाले वे माध्यम जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, उन सब के लिए जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु साक्षात्कार कहलाते हैं। वैसे मैंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है आपको ये सब समझाने के लिए, फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले हम बात करेंगे जन माध्यम उपयोगी साक्षात्कार में। पहला है प्रिंट मीडिया हेतु साक्षात्कार। इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और किन का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ये देखते हैं। प्रिंट मीडिया हेतु साक्षात्कार, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंट मीडिया में अखबार, मैगजीन और पंपलेट्स आते हैं, तो इनके अंतर्गत शारीरिक चेष्टा तथा हाव भाव को महत्व ना देकर लिखने को महत्व दिया जाता है। क्यों, ये आप जानते हैं भाई, न्यूज़पेपर या पंपलेट्स में आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन यानी कि शारीरिक चेष्टा और हाव भाव नहीं दिखते, ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती है ना ही आपके फेस एक्सप्रेशन, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उनको इम्पोर्टेंस दो। हाँ, लेकिन लिखने को महत्व दिया जाता है क्योंकि अगर अशुद्धियाँ होती है या लिखने में ठीक नहीं होता है तो वो पढ़ने वाले और समझने वाले दोनों को ही समस्या का सामना करना पड़ता है।
इसे पाठक तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि आप जानते हैं एक न्यूज़पेपर को सारी न्यूज़ इकट्ठा करके छपने में कम से कम एक दिन का टाइम लगता है। तो पाठक वर्ग तक यानी पढ़ने वालों तक जो भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से साक्षात्कार पहुँचते हैं उन्हें पहुँचने में समय लगता है, क्योंकि प्रकाशन से पूर्व लेख का संपादन अर्थात शुद्धिकरण करना पड़ता है। एक रीज़न ये भी है कि ये सूचना जो पेपर या मैगजीन में छपती हैं वे वाले साक्षात्कार लोगों तक लेट इसलिए भी पहुंचते हैं क्योंकि इन्हें छापने से पूर्व या प्रकाशित करने से पहले इनका संपादन अर्थात शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए, इसकी भाषा सरल तथा कठिन दोनों तरह की हो सकती है। रीज़न क्या है कि अखबार या मैगजीन केवल शिक्षित वर्ग के लिए होते हैं, तो इनकी भाषा सरल हो या कठिन हो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शैली इनकी वर्णनात्मक तथा कथात्मक होती है, या तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको या कथात्मक क्रम से आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यू लेने वाला और साक्षात्कारदाता इंटरव्यू देने वाला, इन दोनों में ही संपर्क का होना आवश्यक नहीं है। इन दोनों में कोई भी कॉन्टैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि प्रिंट मीडिया के दौरान इन दोनों का आपसी कॉन्टैक्ट दिखाई नहीं देता। पॉसिबल है कि इंटरव्यू लेने वाले यानी साक्षात्कारकर्ता ने अपने प्रश्न लिखकर साक्षात्कारदाता तक पहुंचा दिए हों और उसी के ज़रिए उनसे सूचना प्राप्त कर ली हो। प्रारंभ और अंत में अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि आपने देखा है, रेडियो टेलीविज़न पे कोई भी सूचना पहुंचाने से पहले हम गुड मॉर्निंग, हेलो या जाते टाइम गुड बाय वगैरह बोलते हैं, तो उस तरह के अभिवादन की या संबोधन की आवश्यकता न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया में नहीं पड़ती है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इसकी भाषा सरल और कठिन इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ये शिक्षित वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है और मुख्यतः वही इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने प्रिंट मीडिया हेतु जो साक्षात्कार लिए जाते थे उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन का नहीं, ये तो एक्सप्लेनेशन देख ही लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम जनमाध्यम उपयोगी साक्षात्कार में दूसरा साक्षात्कार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु साक्षात्कार। प्रिंट मीडिया तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि मैंने बताया कि इसमें टीवी और रेडियो को रखा गया है और वर्तमान में वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय भी हैं। रेडियो साक्षात्कार में जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, टीवी में भी उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आवाज़ की गति, यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है उन दोनों के ही बोलने का तरीका सामान्य होना चाहिए। आवाज़ केवल इतनी ही होनी चाहिए कि सामने वाले लोगों को समझ में आ सके। दूसरा, तीव्रता, इतनी ज़्यादा स्पीड से भी आप अपने सेंटेंस ना बोले उस समय कि ना तो उनका मीन समझ में आए और ना ही कोई उसका रिप्लाई दे पाए। नेक्स्ट होता है उच्चारण, अगर बोलते समय प्रोनाउंसिएशन में कोई भी मिस्टेक होती है या आपके बोलने का स्वर ठीक नहीं है तो सामने वाले पक्ष को समझ नहीं आएगा और इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाला आंसर नहीं दे पाएगा। माइक्रोफोन की निश्चित दिशा और स्थिति, जो भी माइक यूज़ किया जाता है इंटरव्यू लेते और देते समय अगर उनका डायरेक्शन ठीक ना हो, उनकी स्थिति ठीक ना हो, तो जो भी बोला जाएगा वो स्पष्ट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है अगर इंटरव्यू रेडियो और टीवी के लिए लिया जाए। आगे देखिए, दोनों पक्षों को टेपांकन विधि का ज्ञान होना चाहिए। दोनों पक्षों से मेरा मतलब है इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले, यानी साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता, दोनों को ही टेपांकन विधि से मेरा तात्पर्य है कि रिकॉर्डिंग करना, लाइव रिकॉर्डिंग जो होती है उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि श्रोता इसे सीधे ही सुनता है, तो जो श्रोता वर्ग होता है उनके पास ये रिकॉर्डिंग डायरेक्ट पहुंचती है, इसमें कोई भी चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः एक बार टेपांकित होने के बाद, एक बार रिकॉर्डिंग होने के बाद इसमें संपादन अर्थात सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो अगर एक बार आपने लाइव रिकॉर्डिंग कर ली है। इसीलिए दोनों ही पक्षों को इसका अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि वो जो कुछ भी बोले या जो कुछ भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो सोच समझ कर करें। आगे देखिए क्या ध्यान रखना है हमें, टीवी में इन सब तत्वों के साथ साथ पक्षों के हाव भाव और शारीरिक चेष्टा, रेडियो पर तो आप लोग दिखाई नहीं देते हो, तो अगर आपके हाव भाव यानी कि फेस एक्सप्रेशन और शारीरिक चेष्टा, बॉडी लैंग्वेज नहीं भी दिखे तो भी चलेगा, लेकिन टीवी पर
इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों ही पक्ष दिखाई देते हैं। ऐसे में उन्हें अपने फेस एक्सप्रेशन यानी हाव भाव और शारीरिक चेष्टा बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसका इफेक्ट सुनने वाले या देखने वाले वर्ग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यह श्रव्य दृश्य माध्यम होने से करोड़ों लोगों द्वारा देखा सुना जाता है। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का रीज़न क्या है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो करोड़ों लोगों द्वारा देखा और सुना जाता है, क्योंकि ये श्रव्य और दृश्य और अधिकतर लोगों में लोकप्रिय हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन टॉपिक्स को क्लियर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।